हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं समीर आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल डिजिटल पावर में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत से फ्रेंड्स के दिमाग में ये बात चल रही होगी और एक मेरे दोस्त ने भी ये पूछा था कि कैसे हम ये देख सकते हैं कि किस कॉलेज का कितना परसेंट कॉट ऑफ गया हुआ है। तो मैंने सोचा कि बात ये सही है, ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पता नहीं होगा कि किस डिस्ट्रिक्ट के किस कॉलेज का कॉट ऑफ कितना गया है, यानी कितना परसेंट पे उठाया गया है डिफरेंस। यानी मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उनका मार्क्स टोटल 402 है, यानी 80.4% है। उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया हुआ था अपने ही डिस्ट्रिक्ट के एमजेक के कॉलेज में, लेकिन वहां पे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या फ्रेंड्स कि उनका जो होगा यानी जो कॉट ऑफ गया है वो 80.4 प्लस के बाद गया है। ये आप कैसे चेक कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल फोन से अपने घर बैठे कि किस डिस्ट्रिक्ट के किस कॉलेज का, पूरे बिहार की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, कितना कॉट ऑफ गया हुआ है, कितना परसेंट से स्टूडेंट को यहाँ पे सिलेक्शन मिला हुआ है, कैसे चेक कर सकते हैं आइए हम जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे करेंगे गुजारिश कि चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, सर्च बार में टाइप कर देना है ofssbihar.in, उसके बाद सर्च आइकन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा जो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। 3 डॉट पे यहाँ क्लिक करना है, इसको आप डेस्कटॉप साइड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही डेस्कटॉप साइड कीजिएगा यहाँ पे आपको एक नोटिस मिलेगा, इंटरमीडिएट 2021 कॉट ऑफ फर्स्ट सिलेक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे जिसका जवाब, अगर आप यहाँ पे वैसे आवेदक हैं या आवेदिका हैं जिन्होंने मैट्रिक परीक्षा उसी विद्यालय से उत्तीर्ण किया हो तो आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन को टिक कीजिएगा। अगर आप किसी दूसरे विद्यालय में से परीक्षा यानी 10th का एग्जाम जो होगा आप पास किए हैं और अप्लाई किए हैं किसी दूसरे विद्यालय में तो आप इसके लिए सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करिएगा आपको जो डिस्ट्रिक्ट से आप आवेदन किए हैं अपना डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आपको सो वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, पेज रिफ्रेश होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगा, आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, कॉलेज नेम, यहाँ पे कॉलेज का कोड मिलेगा, यहाँ पे स्ट्रीम दिखाएगा आपको और यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने के लिए फ्रेंड्स किस जनरल कैंडिडेट का कॉट ऑफ यहाँ पे आपको मिलेगा, SC ST यानी अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे कॉट ऑफ और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए आपको यहाँ पे कॉट ऑफ मिलेगा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कॉट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे आप कॉट ऑफ देख सकते हैं और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है वो आपका यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हैं। तो चेक करने के लिए यहाँ पे हम बता दें आपको क्या करना होगा, जिस भी कॉलेज का नाम आप खोजना चाहते हैं, नाम खोजने के लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले बता दूँ नाम आप कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आना है फ्रेंड्स, 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मिलेगा फ्रेंड्स फाइंड इन पेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे मैं फाइंड इन पेज यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। आप जिस भी स्कूल या कॉलेज का नाम सर्च करना चाहते हैं उसका नाम डालिएगा, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ फ्रेंड्स, जैसे मैं MJK कॉलेज का यहाँ पे सर्च करके आपको दिखाता हूँ MJK कॉलेज, ठीक है फ्रेंड्स MJK, तो यहाँ पे देख सकते हैं MJK आ गया, इस तरह आपका हाईलाइटेड हो जाएगा। यहाँ पे बेतिया जैसे आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कीजिएगा तो भी आप यहाँ से देख सकते हैं अपने कॉलेज का नाम, यानी जितना भी लिस्ट होगा बेतिया में देख सकते हैं यहाँ पे टोटल इस तरह का 25 नाम मैच हुआ है, सबका यहाँ पे आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नाम सर्च कर लीजिएगा, मैं आगे का प्रोसेस आपको बता देता हूँ। नाम सर्च करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके कॉलेज का नाम आ जाएगा, जैसे मुझे यहाँ पे दिखना है फ्रेंड्स सरस्वती शिक्षा संस्थान +2 कॉलेज जो है चुहड़ी में है, उसका यहाँ पे कॉट ऑफ कितना गया हुआ है यहाँ पे आपको मिलेगा। मैं कॉट ऑफ वाला सेक्शन ओपन करूँगा, ये स्लाइड आप कीजिएगा यहाँ से बाएँ से दाएँ या दाएँ से बाएँ तो आपका स्लाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो सामान्य वर्ग के जो कैंडिडेट हैं, यानी जितने भी ऐसे कैंडिडेट अप्लाई किए हैं इसमें यहाँ पे स्टार मार्क मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ पे देख सकते हैं स्टार मार्क लगा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। स्टार मार्क का मतलब यहाँ पे क्या दिया गया मैं आपको बाद में बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो अनुसूचित जाति का कट ऑफ गया है 49, अगर आपका 49 है तो आप एलिजिबल है
अगर आपको इससे ज़्यादा है यानी अगर 50 आपके परसेंट है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप कॉलेज में संपर्क कर सकते हैं। आप अपना एडमिशन लेटर लीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, आप जो अपना अप्लाई किए हैं वो अप्लाई मार्कशीट ऑल डॉक्यूमेंट्स लेकर आप कॉलेज में डायरेक्ट हाजिर हो जाइए, वहाँ से आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जो अनुसूचित जनजाति हो 67 गया है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का कट ऑफ गया है 60%। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो पिछड़ा वर्ग का होगा वो यहाँ पे 61% गया है और EWS जो कैंडिडेट है यानी आर्थिक रूप से कमजोर, यहाँ पे स्टार का मार्किंग मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टार का मार्क जब नीचे आप स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा कि डबल स्टार का मतलब हुआ है नॉट एलिजिबल एप्लीकेंट, यानी जिस स्कूल या कॉलेज के सामने स्टार मार्किंग लगा है वहाँ पे किसी भी कैंडिडेट को जो होगा यहाँ पे एलिजिबल नहीं हुआ है, यानी वो जो कट ऑफ मार्क है उसको पार नहीं किए हैं, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स, उसके बाज यहाँ पे बात कर ले पहले बेतिया राज इंटर कॉलेज, यहाँ पे देख सकते हैं साइंस का जो कट ऑफ गया है आपको SC का यानी अनुसूचित जाति का तो 57% गया है और यहाँ पे EBC जो EBC यानी OBC फर्स्ट डिवीजन के OBC कैंडिडेट फर्स्ट यानी OBC फर्स्ट के जो कैंडिडेट होंगे उनका कट ऑफ यहाँ गया है 78.2%। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये आप डबल स्टार लगा हुआ है इसका मतलब आप समझ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। इस तरह आप बिहार के अंदर जितने भी कॉलेजेज हैं सब कॉलेज का कट ऑफ आप चेक कर सकते हैं कि किस कॉलेज का कट ऑफ कितना गया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इससे संबंधित किसी पर अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट हमसे कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो दोस्तों कैसा रहा आज का वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए अपडेट, नए वीडियो, नए रिक्रूटमेंट। अगर आपका किसी पर अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, जय हिंद, वंदे मातरम।